नमस्कार दोस्तों, एमवीके ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको आरजीएचएस के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन, एक घंटी का आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा जैसे नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, या अपन कह सकते हैं जो गवर्नमेंट कर्मचारी से रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन सभी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स के लिए ये सुविधा सरकार ने शुरू की है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ओपीडी एवं आईपीडी दोनों ही कैशलेस सुविधा के अंतर्गत चालू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ओपीडी एवं आईपीडी, ठीक है, यानी कि आप कभी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो उसको अपन कहते हैं ओपीडी, ठीक है। ओपीडी के अंतर्गत भी पर्ची से लगाकर दवाई तक आपको सारी सुविधाएं कैशलेस दी जाएगी। मतलब आपके पास कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, आपको सरकार ने कुछ पैसे दे रखे हैं, कुछ लिमिट दे रखी है, उस लिमिट के तहत आप ओपीडी पर्ची से लगाकर दवाई तक ये जितनी भी सुविधा है वो आप फ्री ले सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आप बीमार हो जाते हैं और आपको भर्ती होना पड़ता है, तो भर्ती होने पर कुछ अमाउंट तक आपको इलाज फ्री मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी यदि आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको 5 लाख का अतिरिक्त बीमा प्रतिवर्ष दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या चीज है इसको अपन समझ लेते हैं। चलिए कुछ बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं। आरजीएचएस लाभार्थियों को प्रथम चरण में प्रदत्त गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं, ठीक है। अब एक बार वापस नोट कर लेना, आरजीएचएस का मतलब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उसको और उसके परिवार वालों को, ठीक है, ये सुविधा मिलेगी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट कर्मचारी से रिटायरमेंट हो चुका पेंशनर्स, उसके परिवार वालों को भी ये सुविधा मिलेगी, वो है आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है। आम लोगों के लिए चिरंजीवी योजना है, उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बना के बता दूंगा। चलिए इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे अपन चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS लाभार्थियों को प्रथम चरण में प्रदत्त गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं, ठीक है। ये योजना कब से शुरू होगी, 1 जुलाई 2021 से पात्र लाभार्थियों को इंडोर एवं डे केयर चिकित्सा हेतु कैशलेस लाभ का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है कि आपको 1 जुलाई 2021 से लाभ मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। कुछ शर्तें हैं वो मैं आगे आपको बता दूंगा। चलिए इस योजना में क्या है, योजना अंतर्गत प्रदेश के लगभग 13.5 लाख परिवारों, लगभग 67.5 लाख लाभार्थी को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत अपन ये मान लेते हैं 13.5 लाख जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके परिवार को ये सुविधा मिल रही है, तो लगभग ये कितना हो गए, 67.5 लाख लाभार्थी, ये लगभग अपन इसका अनुमान लगा रहे हैं, इतने लाभार्थियों को ये सुविधा मिल रही है, ठीक है। इसके आगे क्या है, 1/1/2004 से नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त रुपए 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष प्रति परिवार दिया जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, अगर आप सामान्य बीमारी से ग्रसित हैं और आप भर्ती हो गए, ठीक है, तो आपको कुछ अमाउंट तो ओपीडी का मिल सकता है और कुछ अमाउंट आपको आईपीडी का मिल सकता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कितने रुपए तक का आपको लाभ मिल सकेगा, ठीक है। और अगर आप गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो आपको क्या होगा, 5 लाख अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष प्रति परिवार दिया जाएगा। दिनांक 1/1/2004 से नियुक्त हुए राज्य एवं स्वायत्त शासित संस्थाओं के सेवारत कार्मिकों के लिए मेडिकल पॉलिसी की निरंतरता में पंजीयन पश्चात कैशलेस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। मतलब अभी जो 1/1/2004 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए उनको मेडिकल पॉलिसी दी गई थी। इसके अंतर्गत क्या हो रहा था, राज्य कर्मचारी के
तथा उसके परिवार वालों के लिए इलाज फ्री था। मतलब यदि कोई सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार वाला कोई बीमार हो जाता था, उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, उसके इलाज में होने वाला खर्चा SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन बिल लगाकर वापस रिफंड किया जा सकता था मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत। उसी की निरंतरता में अब क्या कर दिया है, आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। आप यदि इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं और आपने अपनी कटौती प्रारंभ करवा दी है, तो इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, अब आपके और आपके परिवार का इलाज इस योजना के अंतर्गत फ्री हो जाएगा और आपको किसी तरह का न तो पुनर्भरण करना पड़ेगा और न ही पैसा भुगतान करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से CGHS वर्णित 1854 पैकेज दरों की उपलब्धता करवाई गई। मतलब 1854 पैकेज राज्य सरकार द्वारा आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। इन पैकेज के अंतर्गत आप अपना इलाज ले सकते हैं। उपचार की आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा आयुष प्रणाली के अंतर्गत चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। मतलब इसमें सभी तरह की चिकित्सा व्यवस्था को शामिल करने की कोशिश की गई। सिंपल सा प्रोसेस है। यदि आप गवर्नमेंट कर्मचारी है या फिर आप पेंशनर है, तो आप अगर इलाज के लिए जाते हैं तो आपको कैशलेस सुविधा दी जाएगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उसकी जांच कैसे करें, कितने रुपए आपने अभी तक खर्च कर दिए गए हैं, या फिर आपके अकाउंट में अभी बैलेंस नहीं बता रहा है, आपकी SSO पे ये बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा, तो उसको बैलेंस को कैसे लावे, यदि बैलेंस आपके पास था और खत्म हो गया है तो उसको कैसे बढ़ाए। इन सभी क्वेश्चन के जवाब लेके मैं अगले वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। ठीक है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर लीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके तो मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिल जाएगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।